जो इग्निशन स्विच होती है चाबी होती है तो इसको 3 स्टेप्स में ऑन करना चाहिए। कई अक्सर लोग बात क्या करते हैं, गाड़ी में आए, जल्दीबाजी में आए, बैठे, अपने चाबी लगाई और उन्होंने सीधा सेल्फ मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाबी ये लगी 1 स्टेप एंड देन सेकेंड एंड ये थर्ड में क्लच दबा के पाम ब्रेक पे न्यूट्रल चेक करके, और ये इंजन स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं कि आते ही आपने कर दिए उसको। तो ये 3 स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जो गाड़ी का ब्रेन है, जिसे हम ECM बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो खराब हो सकता है, वायरिंग जल सकती है, सेल्फ भी अटक सकता है, और गाड़ी ठंडी रहती है तो कोई भी कलपुर्जा इसमें पार्ट्स होता है जो टूट सकता है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 3 स्टेप्स में इसको चालू करनी है। तो चाबी लगाने के बाद में एक बार तो ये अनलॉक हो गई, सप्लाई चालू हो गई, दूसरी बार में ये, एंड देन थर्ड बार में सेल्फ लेना है, क्योंकि कई गाड़ियों में हीटर वगैरह भी होता है तो हीटर भी ऑन हो जाए, इसीलिए इसको एक बार में नहीं करना है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका जो ब्रेन है, मेमोरी खराब हो सकती है, ECM फ्यूज वगैरह उड़ सकता है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, हीटर वगैरह भी होता है कई गाड़ियों में, तो वो हीटर को ऑन होने में भी टाइम लगता है गाड़ी के इंजन को गर्म होने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों देखिए, ये जो होता है ये टोइंग के लिए होता है, गाड़ी को टो कैसे करा जाता है, कभी भी गाड़ी खराब हो जाए तो ये जो है हमारे यहाँ पे लगता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे एक स्लॉट होता है, इसको हमें स्क्रू ड्राइवर से ऐसे निकालना है, तो ये हट गया है पूरा। तो इसमें एक हॉल होता है, तो उस हॉल में ये जाके लग जाएगा। तो कभी भी गाड़ी वगैरह खराब हो जाए तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि इसको कस लेना है अच्छे से, और कसने के बाद में ये दूसरी गाड़ी से रोप वायर वगैरह कैसे भी हम उसको टो कर सकते हैं। तो ये इसलिए यूजफुल होता है, ये हर नई गाड़ी में आता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इसको फिर वापस से हम एज इट इज क्लोज कर देंगे, ताकि ये हमारा जो ढक्कन है निकल के और गिरे ना। तो इसमें आपको, इसमें एक स्लॉट होता है, इसकी मदद से आपको ये पूरा क्लोज भी हो गया है। तो ये जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ओके बाय। दोस्तों गाड़ी में जैक जो हटाते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज इधर लेफ्ट साइड टर्न करना है, लगाते वक्त हमें राइट साइड में टर्न करना है, और जैक लगाने से पहले हमें व्हील के नट लूज कर लेना है, ताकि चढ़ने के बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आती है नट लूज होने में। और जैक स्पेयर व्हील वगैरह बदलें तो हमें रिफ्लेक्टर वगैरह लगा देना है रोड पे, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम रहे। हैजार्ड लाइट ऑन कर देनी है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो ये स्पेयर व्हील चेंज करने के लिए हमेशा आपको याद रखना है, स्पेयर व्हील होता है डिग्गी में, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला, तो हमेशा पंचर होने की सिचुएशन में हमें स्पेयर व्हील चेंज कर लेना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। और ये पूरा जैक को पूरा नीचे तक बिठा लेना है, और उसके बाद में अब जैक जब निकल जाएगा उस ऊपर नोब में से, इस नोब में लगा के ही जैक लगाना है। आप देख सकते हो ये स्लॉट दिया हुआ होता है उसके लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो कहीं के बारे में बनाएं। दोस्तों अपने फ्यूल मीटर में ऐसी लाइट आती है, आपको समझ जाना है, ये जो अपना टैब है इसमें ये लाइट आती है, आपको समझ जाना है कि फ्यूल कम हो रहा है, खत्म होने वाला है, तो ये वार्निंग देता है यहाँ पे। तो वार्निंग देने के बाद में क्या करना है अपन को, इसको इग्नोर नहीं करना है, सीधे पेट्रोल पंप गाड़ी लगानी चाहिए, क्योंकि कम फ्यूल में चलाने से आपका फ्यूल पंप वगैरह खराब हो सकता है, बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, एयर ले सकती है गाड़ी। तो हमेशा इसको नजरअंदाज नहीं करना है अपन को, और देख लेना है। तो पेट्रोल पंप पहुंचना है सीधा का सीधा, तो सीधा अपन को पेट्रोल पंप पे लगा देनी है और पेट्रोल डलवा लेना है। और पेट्रोल पंप पे आपको मीटर वगैरह की रीडिंग वगैरह देख लेनी है, जीरो है नहीं है, तो कहीं वो डीजल की नोजल तो नहीं उठा रहा पेट्रोल गाड़ी में, कहीं डीजल में पेट्रोल तो नहीं डाल दिया है। तो इस सारी चीज़ों को हमें पहचान लेना है, देख लेना है। तो इससे हम ना तो हमें परेशान होना पड़ेगा, ना हमें किसी दूसरे को परेशान करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय। देखिए दोस्तों, गाड़ी में 3 पेडल्स होते हैं नीचे, लोगों के बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कितने पेडल होते हैं, 3 होते हैं। राइट से स्टार्ट करेंगे अपन, ए देन बी एंड देन सी। ए का मतलब एक्सीलेटर, बी का मतलब ब्रेक, सी का मतलब क्लच, है ना। एक्सीलेटर मतलब गाड़ी को बढ़ाने के लिए, ब्रेक रोकने के लिए, क्लच 2 टाइम्स पे यूज में ले रहे हैं, जब भी हम गियर चेंज कर रहे हैं तो क्लच दबा रहे हैं, और एक ब्रेक लगाने से पहले भी हम क्लच दबा रहे हैं। अब लेफ्ट वाला पांव जो है क्लच के लिए रिजर्व्ड रहेगा, और जो राइट वाला है वो एक्सीलेटर और ब्रेक को, दोनों को ऑपरेट करेगा। तो ब्रेक हमेशा राइट पांव से लगाना है, क्लच हमेशा लेफ्ट वाले पांव से दबाना है,
और लेफ्ट वाला पाँव हमेशा क्लच के लिए रिजर्व रहेगा, उसको हम हिलाएंगे नहीं, वो फिक्स है, परमानेंट है इनके लिए, क्लच के लिए। अब ब्रेक एकदम से नहीं लगाना है, हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी है। अब पाँव की पोजिशन क्या करना है कि एडी को नीचे फर्श पर टिका लेना है, पंजा इन पेडल्स के सामने रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों, गाड़ी में आपने देखा होगा कि अक्सर है ना, गाड़ी को स्टेयरिंग जो व्हील होता है वो जो भी अपनी मोटे आदमी होते हैं उनके टमी वगैरह के टच हो जाता है, तो उसको क्या हम ऊपर नीचे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। तो उसको अप एंड डाउन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो लीवर होता है इसको हमें नीचे कर देना है ऐसे, और अभी देखिए स्टेयरिंग ऊपर है और अभी मैं इसको ये नीचे कर रहा हूँ, ये डाउन एडजस्ट कर सकते हैं अपन अपनी हाइट और हेल्थ के हिसाब से। जैसे ये नीचे आ गया और ये ऊपर हो गया है ना, तो अभी अपन इसको ऊपर कर देते हैं और अभी इसको वापस से लॉक कर देते हैं, तो ये उधर ही फिक्स हो जाएगा जिधर हमने इसको टाइट कर दिया है, वापस ऊपर कर दिया है, मतलब स्टीयरिंग व्हील टाइट हो गया। अब ये अप एंड डाउन नहीं होगा, तो अपनी हाइट और हेल्थ के हिसाब से हम इसे कंफर्टेबल, जो भी, जैसे कोई कम हाइट का है तो वो उसको नीचे कर सकता है, कोई ज़्यादा हाइट का है हेल्दी है तो वो इसको ऊपर कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। दोस्तों, सर्दियां आ गई है तो आपको हीटर की जरूरत पड़ेगी, तो हीटर कैसे ऑन होता है, कई लोग क्या करते हैं एसी भी ऑन कर लेते हैं हीटर के साथ में। तो ये जो रेड वाला है, इस एरिया में अगर हम इस नोब को घुमा देंगे तो ये हीटर ऑन हो जाएगा, गर्म हवा देगा यहाँ ब्लोअर से, और अगर ब्लू वाले में करते हैं तो ये ठंडी हवा देता है। तो ये टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए है, तो टेम्परेचर आपको किस अकॉर्डिंग करना है। लेकिन जब भी हम हीटर ऑन करते हैं तो हमें एसी ऑन नहीं करनी, और एसी ऑन करते हैं तो इसको टेम्परेचर पे नहीं रखना है, फिर इसको ब्लू वाले में कर लेना है, रेड वाले में मतलब गर्म हीट, गर्म हवा देगी। इंजन की जो हवा होती है, इंजन की जो गर्मी होती है वही हवा के यहाँ से वेंट से, एसी वेंट से आती है ब्लोअर से, तो इसमें फ्यूल कंजप्शन नहीं होता है। एसी में ज़्यादा पेट्रोल पीती है क्योंकि एसी के कंप्रेसर को ड्राइव देनी पड़ती है, लेकिन जो हीटर होता है उसमें इंजन की गर्मी आती है, तो जब तक इंजन ठंडा होगा जब तक अपनी गाड़ी गर्म नहीं होगी। इंजन गर्म होने के बाद में ही गर्म हवा देगा ये। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, जब भी गाड़ी में नया स्टूडेंट गियर लगाता है तो वो कहाँ पे मात खा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी वो, ये जो एक आपको ये पॉइंट समझ लेना है कि इधर एक रिटर्न स्प्रिंग लग रही है जो इधर धकेल देती है, उधर कर रहे हैं तो इधर धकेल देती है, तो हाथ को प्रेशर देके ही फर्स्ट लगाना। अब नया बंदा ऐसे करके आगे की करने की बनिस्पत जब आगे करता है तो ऐसे हो जाता है, थर्ड लगा देता है, पहली गलती तो ये। फिर फर्स्ट से जब सेकंड लगाता है तो ये निकलते ही हाथ ढीला छोड़ देता है और इधर आ जाता है और ये फोर्थ कर देता है, उसे पता ही नहीं चलता कब लग गया। तो अभी फिर अब जब भी थर्ड से भी सेकंड लगाते हैं तो भी यही गलती होती है, जैसे ये लाएगा और सीधा का सीधा फोर्थ में ले जाएगा। इसमें करना क्या होता है कि जैसे ही न्यूट्रल आई थोड़ा इधर करके फिर सेकंड लगाना, इसमें थोड़ी ताकत लगती है, प्रेशर लगता है, तो वो लोग लगा नहीं पाते हैं, तो वो ढीले हाथ से उनका सारा कंसेंट्रेशन आगे ही होता है, तो वो गियर इधर गलत लगा देते हैं, लूज पटक देते हैं अपनी जो ग्रिप है ताकत। तो ये गलती ना करें। फिफ्थ लगाते वक्त वो उधर करके नहीं लगा के और फिर ऐसे आगे कर देते हैं, थर्ड ही लग जाता है। रिवर्स की बनिस्पत वो ऐसे सीधा कर देते हैं, फोर्थ ही लग जाता है। तो ओके बाय। दोस्तों, आजकल आपने गाड़ियों में वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम तो देखा ही होगा, जो एप्पल वगैरह के मोबाइल आते हैं उनमें वायरलेस चार्जिंग होती है। तो देखो, कार में भी ये फंक्शन आने लग गया है कि ये जो ट्रे है यहाँ पे अगर हम मोबाइल को रख देंगे तो फिर वो ये जो है ये प्लेट लगी हुई है जो इस सॉकेट से चार्जर से कनेक्टेड है और ये वायरलेस चार्जिंग के लिए ही है, तो मोबाइल को यहाँ इस तरीके से रख देंगे। तो ये देखो आप, ये जो सिस्टम है इसमें बता रखा है कि ये बैटरी और ये मोबाइल का और ये सारे फंक्शन है, इनसे इंडिकेट करता है कि कितना चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रखते ही ऑटोमेटिकली किसी भी बिगर वायर की सहायता के अपना मोबाइल चार्ज होने लग जाता है। तो ये जो सुविधा है ये गाड़ियों में आजकल आने लग गई है। और ये कौन सी गाड़ी है मैं आपको बता देता हूँ, ये हुंडई की ग्रैंड आई10 है जिसमें वायरलेस चार्जिंग आती है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कीलेस स्टार्टिंग भी है इसमें और वायरलेस चार्जिंग भी है। तो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। दोस्तों, गाड़ी के अंदर बैठने के बाद में हमें मालूम नहीं चलता स्टेयरिंग व्हील किधर है, हमारे टायर की पोजिशन कैसी है। जैसा आप देख सकते हैं कि टायर हमारे सीधे हैं। तो ये एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको कि अंदर बैठ के भी आप पता लगा सकते हैं। किसी भी एक तरफ स्टीयरिंग व्हील को टर्न कर लेंगे, करो, बिल्कुल पूरा रोटेट कर लिया हमने, इसको टर्न कर लिया, ये एंड अटक गई है स्टीयरिंग। तो ये अब आप समझ सकते हो कि टायर पूरे टर्न हो चुके हैं।
तो अब इसको सीधा कैसे करेंगे, अब इसके 1.5 डेढ़ चक्कर सीधे कर लेंगे, है ना, वापस ये आधा चक्कर और ये एक चक्कर। तो ये हमारे गाड़ी के टायर सीधे हो चुके हैं। कोई सी भी गाड़ी हो आपको डेढ़ चक्कर सीधे कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हो कि टायर सीधे हो चुके हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, कई लोगों का अंदर बैठ के डाउट होता है कि गाड़ी के टायर सीधे हैं या टेढ़े हैं, तो इस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि टायर सीधे हैं टेढ़े नहीं हैं ये टायर, तो इससे हम एक एस्टिमेटेड आइडिया लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, गाड़ी को यू टर्न कैसे लिया जाता है आप देख लीजिए। जब भी यू टर्न लेते हैं तो खास प्रॉब्लम आती है कि बंदा इसी पोजीशन में मोड़ देता है, तो जो टेल है वो टच होएगी। तो कब टर्न करनी है हमें, जब ये फ्रंट डोर क्रॉस कर जाए इस डिवाइडर के कॉर्नर को। तो थोड़ी और आगे लाइए गाड़ी को, बिल्कुल हाँ, और स्टेयरिंग व्हील पूरा टर्न कर लेना अपन को, पूरी टर्न करो स्टेयरिंग। तो अभी आप देख सकते हो कि डिवाइडर से हमारी जो गाड़ी बच गई, और जो रेडियस है वो ज़्यादा से ज़्यादा काटनी, नहीं तो आगे पिलर के अड़ेगी वो गाड़ी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यू टर्न हमेशा फ्रंट डोर क्रॉस हो जाए तो ही हमें पूरी टर्न करनी है, अदरवाइज अपन को टर्न नहीं करनी है, नहीं तो ये जो साइड्स वगैरह हैं ये रगड़ते हुए जाएगी आपकी उसके। तो डिवाइडर का जो कोना है वो फ्रंट डोर ड्राइवर गेट को क्रॉस कर ले, और जो रेडियस है वो आप देख सकते हो कि उधर से ज़्यादा काटनी है, नहीं तो इधर आके फिर रिवर्स लेनी पड़ेगी आपको वापस से। ठीक है दोस्तों, तो स्टीयरिंग व्हील को सीधा करना ना भूलें। दोस्तों कभी भी रास्ता बंद हो आगे या गाड़ी को वापस से यू टर्न लेना हो तो कैसे लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी खड़ी है तो इस गली में आगे पीछे करके और हमें वापस इधर जाना है इस तरफ, तो गाड़ी कैसे घूमती है आइए बताते हैं। तो सबसे पहले स्टीयरिंग को हमें राइट टर्न कर लेंगे पूरा, हम लेफ्ट भी ले सकते हैं लेकिन हम राइट लेंगे, उधर स्पेस ज़्यादा है। तो लेफ्ट में बिल्कुल टच होके चिपक के खड़ी है, अब मूव करने दो पीछे देखते हुए। अब जैसे रिवर्स गियर लगा लेंगे, कैमरे में देख लेंगे, लेफ्ट टर्न करो पूरी स्टीयरिंग, पूरी व्हील स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट टर्न कर लेंगे अपन। ठीक है हो गई, अब चलने दो पीछे, दिख रहा है अपन को कि ऑल क्लियर है, हाँ जा सकते हैं। जिसमें कैमरा और सेंसर है उसमें आसानी है, और पीछे ले लेंगे। अभी पूरी राइट काटेंगे पीछे लेने के बाद में, क्योंकि अभी गाड़ी आधी रोड पे है। फर्स्ट गियर लगा लेंगे रिवर्स से निकाल के, और अब मूव करो आगे, चलो और चलो। तो फिर आगे खंबा आ चुका है, तो वापस से स्टीयरिंग लेफ्ट टर्न करके रिवर्स गियर लगा लेंगे, एक बार और पीछे जाएगी जब जाके पॉसिबल हो पाएगा। देखो आगे मत जाने दो, चलो छोड़ो और छोड़ो, सही है, परफेक्ट है। मिरर्स वगैरह में भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे, और चलो थोड़ा मूव करो, बस अभी राइट टर्न कर लो स्टीयरिंग व्हील को। तो अभी लग रहा है पॉसिबल हो जाएगा एक बार में ही, तो ये निकल गई है गाड़ी, एक टर्न होगी। तो कभी भी रास्ता ब्लॉक हो, बंद हो आगे से, तो हमें इस तरीके से गाड़ी को पूरी घुमा लेनी है। ओके दोस्तों, आपने सीधे में फ्रंट में तो पार्किंग करी होगी घर में, लेकिन जो रिवर्स में पार्किंग होती है वो कुछ इस तरीके से करनी है हमें। गाड़ी को पूरी स्ट्रेट कर लेनी है हमें गेट के सामने, और दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस रखना है हमें, और फिर सीधी की सीधी लेनी है, और चाहो तो इसमें साइड व्यू मिरर्स वगैरह हम फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे आती है पोर्च में, आइए दिखाते हैं आपको। तो लगाइए गियर, लगाइए रिवर्स, पहले गियर लगाएंगे, हैंड ब्रेक हटाते तो वो आगे भागेगी, है ना। अभी रिवर्स कैमरा ऑन हो गया है, तो आप मिरर्स वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कितना डिस्टेंस है इधर, और उधर का डिस्टेंस भी दिख रहा है, तो इससे हम उधर थोड़ा कम है, टेढ़ी है गाड़ी। तो ठीक है, अभी क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे लेफ्ट स्टीयरिंग को टर्न करके, जाने दो, बिल्कुल सही जा रही है, सही जा रही है, हाँ जाने दो और जाने दो, और ले सकते हो, हाँ उधर देखो सही है मिरर में, अभी अगेन स्टार्ट कर लो। चलिए छोड़ो, पहले क्लच छोड़ोगे, जब वो वाइब्रेट करेगी जब हम ब्रेक भी छोड़ देंगे, धीरे धीरे छोड़ो, हाँ धीरे धीरे सही है, अब ब्रेक फ्री कर दो, क्लच ज़्यादा नहीं छोड़ना, सही है, बिल्कुल सही है, इधर भी देख लो क्लियर है, अब छोड़ो फिर धीरे धीरे, बिल्कुल क्लियर है, पीछे देख लेना डिस्टेंस कैमरे में भी दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, अब और छोड़ो, थोड़ा लेफ्ट करो, उतरने में दिक्कत नहीं आया, हाँ अब राइट करो, सही है डिस्टेंस है, राइट कर लो वापस, अब ऐसे नहीं तो वो मिरर अड़ेगा, है ना, राइट कर लेंगे तो दूर हो जाएगी वो, हाँ बस बस
ठीक है, सेंसर कंटिन्यूसली बोलने लग गया, ठीक है, न्यूट्रल कर लो, और कर लो पीछे, नहीं काफी है, आगे दूसरी गाड़ी नहीं आती। दोस्तों जो गाड़ी में एवरेज वगैरह का कैसे पता चलता है कितने फ्यूल में कितनी चलेगी जो गाड़ी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है पेट्रोल पंप और कार के बीच में जो ये सिंबल बना हुआ है और 202 किलोमीटर लिखे हुए, मतलब ये रेंज है, ड्राइविंग रेंज, कि हमारी गाड़ी इतनी और चल सकती है 202 किलोमीटर। एंड जो एवरेज है वो आप देख सकते हैं कि 12.7 किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज दे रही है, मतलब इतना। तो इस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी गाड़ी है क्या एवरेज दे रही है, क्या रेंज है उसकी। तो ये सारी चीज़ें जैसा कि आप देख लो, ये छोटे रूप में दिखने लग गया है, तो कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना कि 12.7 का ये एवरेज दे रही है और ये कितने किलोमीटर और चलेगी इतने फ्यूल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो फ्यूल है हमारी रेंज 1, 2, 3, 4 डॉट्स आ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों ये गाड़ी में सीएनजी भरी जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हो कि जब भी सीएनजी भरते हैं तो गाड़ी में कोई भी नहीं बैठा रहना चाहिए, क्योंकि ब्लास्ट वगैरह होने का खतरा रहता है, तो इसीलिए गाड़ी से उतार दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि सीएनजी की पंप होता है वो कुछ इस तरीके से, नोजल वगैरह अभी फिल हो रही है। और सीएनजी बहुत सारी गाड़ियों में आजकल आने लग गई, ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो इसीलिए हमेशा इसमें उतर जाना चाहिए हमें बाहर, क्योंकि कुछ भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बाहर उतार दिया जाता है सीएनजी गाड़ी में। जब भी सीएनजी भरी जाती है तो कभी भी अंदर नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सीएनजी का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, जो कि कंप्रेस करके, और इसके जो सिलेंडर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसा आप देख सकते हो इधर, ये बिल्कुल छोटी छोटी आकार में है। दोस्तों नए स्टूडेंट का सवाल होता है कि है ना डिवाइडर में और हमारी गाड़ी में क्या डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से देखने से पता नहीं चलता है। तो मैं आपको एक सिंपल और इजी वे बता देता हूँ, जो तरीका है वो ये है कि हमें आगे देखने से नहीं पता चलेगा डिवाइडर में और हमारी गाड़ी में कितना डिस्टेंस है। यहाँ डिवाइडर, ये मिरर है, ये इसमें देखने से पता चल रहा है हमारी गाड़ी में और इसमें डिवाइडर में क्या डिस्टेंस है। तो इस चीज को हमेशा देखना है हमें। तो यहाँ पे आगे देखने से जैसा कि आप जान पा रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि उसी पे चल रही है, कोना जो है उसी पे चढ़ा हुआ है, लेकिन आप पीछे देखिए मिरर में, तो ये देखो मैं अब नजदीक लेके जा रहा हूँ, तो ये पता चल रहा है कि बिल्कुल नजदीक आ गई है। क्या आउटपुट आ रहा है हमारे द्वारा किए गए कार्य से, क्या रिजल्ट रह रहे हैं, देखो ये पीछे साइड व्यू मिरर्स वगैरह में हमें साफ क्लियरली व्यू आ रहा है। तो हमेशा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो साइड व्यू मिरर में देख के पहचान लेना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय। देखिए दोस्तों गाड़ी को अंदर पोर्च में पार्क कैसे करा जाता है, तो वो चीज आपको बता देता है। सब रिवर्स ले रहे हैं तो पार्किंग के सामने हमेशा हमें गाड़ी को सीधी कर लेनी है, जैसा कि आप देख सकते हो कि वो गेट खुला हुआ है, वहां पे पार्क करेंगे हम लोग। तो गाड़ी को पहले स्ट्रेट कर लेना है पार्किंग से पहले हमेशा, ठीक है। स्ट्रेट कर लिया, इसके सामने ऐसा एंगल बनाना है कि गाड़ी सीधी हो जाए बिल्कुल, और अभी इन दोनों के बीच में से अंदर सीधी लग जाएगी गाड़ी। तो टेढ़ी नहीं घुसानी है, इसमें क्या टेल अड़ने का खतरा रहता है, तो हमेशा सीधी करके ही फिर ही हमें लगानी है। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस है, स्पेस है, सही आराम से पार्क हो रही है गाड़ी। तो हमेशा सीधी करके ही फिर पार्क करनी है गाड़ी को, ऐसे नहीं कि अपन को टेढ़ी ही डाल दी। तो पार्क करने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पार्क हो गई है गाड़ी।